क्या आपको भी क्रिकेट का कीड़ा है? हाँ हाँ। क्या आपको भी टीवी भी लेने की आदत है? अरे हाँ भाई हाँ। क्या आपको भी आईफोन एक्स कमाना है? अरे हाँ भाई हाँ। तो उसके लिए लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए रियल 11 स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप। तो जब तुम इस ऐप को ओपन करोगे तो तुम्हारे पास अपकमिंग मैचेस आ जाएंगे, जो कि अब आईपीएल चल रहा है उससे रिलेटेड। और फिर तुम्हें क्या करना है, बस जो भी गेम में तुम इंटरेस्टेड हो उसके अंदर क्लिक करना है। उसके बाद जो मल्टीपल कॉम्पिटिशंस खुले हुए हैं उसके अंदर कोई भी, मतलब जो तुम्हें पसंद है, ठीक है, उसके अंदर जाके तुम्हें ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करने के बाद तुमको कुछ नहीं करना है, एक अपनी 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है ऑफकोर्स, और उसके बाद नेक्स्ट करके अपना कैप्टन वाइस कैप डिसाइड करो जल्दी से कि कौन कौन सा रोल प्ले करने वाला है और जो कौन सी चीज़ें वो करेगा, उसके अकॉर्डिंगली उसको पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ तक कि इसके अंदर फ्री के कॉन्टेस्ट भी है, जिसके बाद तुम ज्वाइन कॉन्टेस्ट को दबा के जितने भी अमाउंट है वो पे करके उस कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही में तुम लोग मेरा रेफर कोड कैप गैंग इस्तेमाल करके फ्री में 50 रुपीज़ पा सकते हो। तो कोई भी एंट्री कॉन्टेस्ट लाइक जिसके अंदर 2 रुपीज़ हो या 26 रुपीज़ हो, एक तरह से तुम्हारे पास फ्री एंट्री मिल गई है तुम्हें इस कॉन्टेस्ट के अंदर। और साथ ही में तुम लोग पेटीएम के थ्रू ये सारे के सारे पैसे रिडीम कर सकते हो, और तुम अपने दोस्तों को भी इसके अंदर इनवाइट करके और पैसे कमा सकते हो। तो नीचे जल्दी जाके रियल 11 फैंटेसी ऐप को डाउनलोड करो और अपने क्रिकेट के कीड़े को जिंदा रखो फ्रेंड्स। तो आ गया हूं मैं दो केड़ी के स्पॉन आइलैंड पे, और ये आते पता नहीं मेरे पे क्या केक वेक सा मार रहे हैं लोग, पागल पुगल लोग हैं कि वैसे देखा जाए तो न्यू अपडेट के बाद ना पता नहीं क्या अनोखी अनोखी मतलब पागलों जैसी चीटें डाल दी इसके अंदर। कभी सेब मार रहे हैं लोग, कभी पेस्ट्री मार रहे हैं उठा के। भाई पेस्ट्री खाने की चीज़ होती है यार, मेरे को दे दो, क्यों वेस्ट कर रहे हो? ये सब मैक्सन भाई की सिखाई हुई चीज़ें हैं भाई, ये लोग पता नहीं क्या सामान बर्बाद कर रहे हैं भाई, पागल पागल हो गए क्या लोग? खाने को वैसे नहीं मिलता मुझे भाई, इतनी भूख लग रही है मेरे को, तुम वापस से पेस्ट्री वेस्ट्री मेरे मुंह पे फाड़ रहे हो, क्या कर रहे हो? तो जो फ्लाइट पार्ट जा रहा है ना, ये थोड़ा नोवो से याचना के साथ जा रहा है। अब तुम्हें पता है हमारा तो हॉट ड्रॉप लेने का चक्कर है, कुछ काम था मैं नहीं अपने पे, और यहाँ पे कंडक्टर भैया हमको सबको पैराशूट दे के प्लेन से धक्के मार के बाहर कुदा देते हैं, लिटरली लाइक बोलते हैं बेटा तुम्हारा टाइम आ गया। फिर हम प्लेन के ऐसे तक जाते हैं, हमें पीछे से लात मारता खिंचा के, फिर हम ऐसे उड़ते हुए पागलों की तरह नीचे गिर जाते। और मैं तो बस यही सोच रहा था किसी दिन काश गलती से माल फंक्शन हो जाए पैराशूट, मतलब कुछ काम धाम नहीं है मेरे पे यही सोचने के सिवा। तो एनीवेज जो नोवो का ये वाला कंटेनर, यहाँ पे हम यूजुअली उतरते हैं नोवो के अंदर, कॉज लाइक बाकी सारे जो कंटेनर्स होते हैं वो ज़्यादा कंटेस्टेड होते हैं कंपेयर टू दिस वन, कॉज सब लोगों ने या तो पीछे जाने की आदत है या फिर आगे जाने की आदत है, कोई बीच में नहीं आता। तो वो बीच में नहीं आने की वजह से नॉर्मली ये वाला खाली रहता है, तुमको फ्री में मिल जाता है बिना लड़ाई करे बिना गन फाइट करे। नहीं तो उधर क्या है, कभी गन फाइट होगी तो कभी गन मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कभी रैंक फिरोगे, कभी रिंगर रिंगर रोजेज होगा, कभी कभी मैक्सिम जैसे 2 KD के प्लेयर्स को 1 KM मिल जाती है, और हमारे जैसे 15 KD के प्लेयर को फिर भाई पिस्टल मारनी पड़ती है तो फिर हम पिट जाते हैं। तो ये सब ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सेफ उतरते हैं, बट फिर तो भैया जब गन मिल जाती है तो मेरे को सामने ऐसे नमूने बंदर दिख जाते हैं। और फिर इन्हें कहा पता था कि मेरे पास SKS विद ATX। अब ये बंदा मतलब इसको बिल्कुल शर्म नहीं है, ये गोली खा के वापस अपना थोपड़ा दिखाने आ गया बाहर। मतलब मैं तो ये नहीं समझा ये बंदा चाहता क्या था अपनी ज़िंदगी से। एक तो मेरे पास SKS, ठीक है, अभी भी 1 सेकंड पहले इसके वो मैंने खींच के थप्पड़ सा मारा था कि भाई लड़के निकल जाए, ऐसे अभी भी टाइम स्क्वाड के पास चला जाए, बट इसी को भी तो लड़ना था। ही वॉज लाइक मैं तो जाऊँगा नहीं, जो करना है कर ले, तो भाई मैंने नॉकआउट कर दिया और गया। और फिर यहाँ पर एक बॉट जा रहा था भाई, इससे ज़्यादा खतरनाक बॉट तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। मतलब जो गट्स इस बॉट में थे ना भाई, मतलब पानी के अंदर तैरता तैरता आ रहा है, बट इस बॉट ने जो लूट दी ना भाई, मेरा दिल भाग भाग हो गया यार। M4 देके चला गया भाई Level 2 हेलमेट के साथ, और इतने हमारे बुलशक भाई रेंगने लग गए, मतलब इतनी जल्दी रिंगा रिंगा रोसेस कर खेलने लग गए भैया आप तो, मतलब अभी तो गेम शुरू ही हुआ अभी से रेंगने लग गए। तो फिर मैं यहाँ पे कवर दे रहा था, और फिर मैंने नोटिस करा कि उनके टीममेट ना राइट भाग के आ गया ब्रोकन वॉल से राइट करके। तो मैं भाई मेरी फट गई, मैंने हंटर को बोला बेटा जल्दी पीछे आ जाए इससे पहले लग जाए, और मैंने हल्का सा प्री फायर करा जिससे मतलब कि वहाँ से कोई पीक भाग ना ले, और हमारे बुलशा को कवर दिया। कॉज जो बात है ना, वहाँ से बहुत इजीली मैं हंटर और बुलशा के एक स्प्रे में उड़ सकते थे। तो मैंने हंटर भैया को बोला भैया जल्दी पीछे आ जाए हंटर, नहीं तो उधर ही चिकन तंदूरी बन जाएगा तेरा टेस्टी वाला बटर के बिना वो भी। और इसके बाद तो भाई जब वहाँ पे एक बंदा हमने अपना रिवाइव कर लिया, तो इतने में क्या हुआ हमारे जो हंटर भाई हैं, अब वो भी पूरे अलग ही लेजेंड है, तुम जानते हो हंटर बंटर को लाइक कुछ काम धाम नहीं है मरने के सिवा, फ्लैंक के नाम पे तो नूब मार देता है, मतलब बॉट से तो मर जाता है और डैमेज के लिए रोता रहता है। अब तुम्हें पता ना हो हंटर भैया तो डैमेज तो बॉट्स भी दे देते हैं, असली लेजेंड तो किल चुराने वाले हैं बे, ये इतने सी बात नहीं पता चलती क्या तुमको मुन्ना भैया? तो इतने में हमारे हंटर भैया हो गए नॉकडाउन, और इसका फिर बना दिया चिकन तंदूरी वाला रोस्टेड वाला वरना बटर वटर सब मिला के खा गए तो भाई छोड़ा ही नहीं। और फिर तो भाई हंटर भैया रो रहे थे, घोस्ट ने हमको बोल रहा हूं अब हमें रोटेट मारना ही पड़ेगा, कॉज पीछे भी स्क्वाड है आगे भी स्क्वाड है, फिर ये हुआ।
फुल एक्सेल गुलशा खा जाओ यार साथ में मेरे पे वैसे एक और सिमेट्री एनिमीज अहेड राइट साइड गोस्ट एनिम राइट हां तो यहाँ पे हमने राइट तेजी से रोटेट मारा और गलती से क्या थोड़ी मेरे को बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे थोड़ी सी मेरी किस्मत मतलब साथ की कि मेरे को पता था कि एग्जैक्टली बंदे कहाँ हैं कॉज मैंने जो रिस्क लिया था ना इधर ओपन में पुश करने का बहुत ज़्यादा मतलब कोई भी मतलब कि ना अगर कोई प्लेयर छुपा होता कहीं पर टी पी पी वी पी पी ले रहा होगा मैं एक्शन भाई टाइप तो वो तो मुझे भाई खाकू जाता अरे वाह इतने टाइम बाद डॉग्स की साउंड इफेक्ट अबे यार स्मोक है क्या नहीं है इधर डालना इन्वेंटरी के अंदर लूटते हैं ब्रो नहीं है स्मोक नहीं है ओके आजा अनब्रू जा रहा है चल उसके साथ आजा राइट में बॉट है घोस्ट एनएम तो अब मेरे को यहाँ पे इतने में मिल गई M24 अब तुम बोल रहे हो कि भाई आज किंग अनब्रू M24 चला रहता आपने बिल्कुल सही सोचा है बिकॉज मैं पता नहीं पिछले एक दो महीने से डीपी खींच रहा हूँ यार डिस्प्ले पिक्चर बना लिया भाई अपनी गेम प्ले को मैंने तो अब मतलब अपनी लेजेंडरी चीज़ तो भूल ही गए हम स्नाइपिंग जो हम करने के लिए फेमस थे जिसके लिए मतलब हमको मतलब इतना मतलब नाम नाम मिला था आई रियली लाइक स्नाइपिंग बट एक चीज़ बताऊँ मेरे स्क्वाड के अंदर मैं स्नाइपिंग नहीं करता तो मैंने डीपी चलानी शुरू कर दी थी कॉज लाइक मैं डीएमआर भी नहीं चलाता डीएमआर उतनी पसंद नहीं है सिर्फ एमके चलाता हूँ वो भी ऑटो पे तो फिर मैंने स्नाइपिंग मतलब छोड़ दी थी कॉज मेरे बाकी प्लेयर स्नाइपिंग करते थे बट इस गेम पे मैंने सोचा बहुत टाइम हो गया है चलो थोड़े चाटे वाटे हम भी मार दें M24 के सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा हम भी ले लें और फिर तो भाई थोड़ा मज़ा ही आ गया था मतलब इस गेम पे इतना सेटिस्फेक्शन मिला ना हेडशॉट मार मार के भाई और फिर यहाँ पर से शुरू हुआ M24 का काम अबे बोलशा क्या किया अबे स्प्रे नहीं अबे साला अटैचमेंट के बिना तीन है भाई तीन है उधर मैं कह रहा हूँ कि दो नॉट है जान के एनिमीज अहेड दूसरा भी बहुत लिट है और इसी के साथ दोनों के दोनों स्क्वाड जिन्होंने हम पे पुश करने की नाकाम कोशिश करी थी उनको हमने स्वाहा कर दिया फ्रेंड्स वैसे अगर तुमने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो बहुत ही कर चीज करी मतलब नीचे जाओ हमारे मैक्सटन भाई के 2 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं तुम्हें पता चल गया होगा तो उसके पीछे हमारी वीडियो के 2 लाइक तो बनते हैं मतलब पूरे के पूरे 2 लाइक मांगूंगा मैं 2 से ज़्यादा कभी नहीं मांगता तुमने देखा होगा कितना शरीफ नादान परिंदा हूँ मैं मतलब क्या सिर्फ 2 लाइक मांगता हूँ मैं फ्रेंड्स प्लीज़ तो 2 लाइक कर दो और अगर तुम सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक मेरे चैनल को तो कर दो मतलब लेट्स डू दिस फ्रेंड्स 3 लाख सब्सक्राइबर्स के हम लोग कितने पास आ गए तो नीचे जाओ जरूर यार सब्सक्राइब के बटन को दबाओ क्या पता इस वीडियो के बाद ही हम 3 लाख सब्सक्राइबर्स पहुंच जाए मेरे को पता नहीं तो बट जल्दी जाओ नीचे सब्सक्राइब के बटन को इतना जोर से दबाओ ध्यान से थोड़ा हाँ लाइक फेविस्टिक के पैसे मैं नहीं दूंगा अगर तुम्हारी गलती से स्क्रीन विन टूट गई ना भैया वैसे भी फेविकोल का रेट पता नहीं कितना ज़्यादा जा रहा है 1-2 रुपये जा रहा है हम यहाँ 2 लाख मांग रहे हैं उसके पीछे तुम हमसे 1-2 रुपये ले लो हैं भैया ये क्या गलत ही सीन है तो स्क्रीन तुम्हारी टूट जाएगी तुम्हारी गलती नहीं है तो एनीवेज इतने में यहाँ पे क्या हुआ इन लोगों के साथ हमने स्कैम कर दिया एक्चुअली ये मतलब ये हमें ज़्यादा ही नुबड़ी उबड़ी लॉबी समझ रहे थे तो क्या हुआ ये सब के सब लोग फ्लेयर मंगाए इन्होंने उस आइलैंड पे मतलब शान पत्ती तो देखो इनकी ये 4 बंदे थे एक्चुअली मेरे को लगा सिर्फ 2 इसलिए हमने बोट जल्दी फोड़ दी इनकी और उनमें एक बंदा मर गया बट हमारा प्लान था कि जब सारे के सारे बंदे बोट पे बैठ जाएंगे तब इन्हें रास्ते में मुड़ा देंगे बट एक्चुअली क्या हुआ 2 ही बैठे थे उतने में इन्होंने बोट हिला दी तो मैंने डिसाइड किया कि भाई शायद के पे तो 2 ही हों बट एक्चुअली ज़्यादा थे उससे तो यहाँ पे क्या हुआ ये लोगों ने ओपन में फ्लेयर मंगाई ठीक है और उसके बाद बोट में बैठ के पूरा स्वैग में आने की इनकी प्लानिंग थी बट इन्हें का पता था तो यहाँ पे मेरी पूरी की पूरी प्लानिंग थी कि जो सारे के सारे टायर है ना इन गाड़ियों के वो फोड़ दिए जाए अब उसका एक रीजन था कि मैं चाहता था कि ये बंदे आए तो जोन से मर जाए या हमारे हाथ से मर जाए मैं नहीं चाहता था कि ये लोग ब्रिज के थ्रू अपनी फटी हुई सी 2 केड़े की गाड़ी लेके घूम फिर के आ जाए तो इसलिए मैं क्या कर रहा था इनके सारे के सारे टायर थे ना जो भी गाड़ी के उन पर लगातार M24 के चाटे टीपीपी वाले चाटे एफपीपी वाले चाटे मतलब स्नाइपिंग वाले चाटे डीपी वाले चाटे सारे चाटे मारे जा रहे थे नॉनस्टॉप जिससे ये लोग वहीं पर ही बैठे रहे शांति से और वैसे इनके पास एक बंदे पे AWM थे और उन्होंने भाई गोस्ट एनम और बुलशा को क्या मारा है उस बंदे ने क्या चाटे AWM के मारे भाई उसने तो पूरा स्वैग ही उखाड़ दिया इन लोगों का तो यहाँ पे एक्चुअली ये बंदा प्ले जोन से नॉक हो गया था कॉज उसको मैंने हद से ज़्यादा डैमेज दे दिया था फिर मैंने अपना किल भी चुरा लिया प्ले जोन से मतलब कह रहा हूँ ना मतलब डैमेज तो बॉट भी दे देते हैं असली लेजेंड वो होते जो किल चुराते हैं फ्रेंड्स तो अगर से तुम्हारा दोस्त अगर तुम्हें बोले ना कि तुमने किल चोरी करी है तो उसको सीधा मुंह पे बोलना तू बॉट है भाई
बॉट डैमेज देते हैं, बॉट असली प्लेयर किल चुराते हैं किल, ठीक है। तो बेटा बॉट कम बनो, लेजेंड ज़्यादा बनो, ये बोल के उसका मुंह चुप हो जाएगा वैसे जब तुम बोलोगे ना, लाइक ही विल बी शॉक्ड, बट जवाब वैसे खतरनाक होगा ये। एनीवेज अब 11 बंदे जिंदा बचो, मेरे पास 9 किल्स है, और जो हमें पता है कि फाइट कहाँ हो रही होगी, ऑफकोर्स कंपाउंड में ही फाइट हो रही होगी, दो स्क्वाड लड़ रही है, तो हम जैसे पहुंचे में उतने पता चल गया था कि दो स्क्वाड टुकुर 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 गोलियां चला रही है चुपचाप बैठ के। तो हम लोग भी डिंग 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 करते हुए एकदम निंजा हथौड़ी स्टाइल में आ गए, और मैं तो MK-14 लेके यहाँ पे मैंने पुश कर दिया, हालांकि यहाँ पे मेरे को थोड़ा डैमेज पड़ गया था, बट मैंने ब्लाइंड रश इसलिए किया कॉज मैंने नोटिस कर लिया था कि फील्ड में कि जो एग्जाम क्लैन है उसका आखिरी बंदा जिंदा है, तो हम लोगों ने मतलब थोड़ा ब्लाइंड रश किया, और हमको पता था कि दूसरी स्क्वाड कहीं बैठे होगी शांति से, वो तो मैं ड्रामे करेगी नहीं, तो मैं आराम से पीछे आया, हील हाल किया, और इसके बाद क्या मारा है MK-14 के भाई, एक स्प्रे के अंदर अलग ही लेजेंडरी चीज़ कर दी भाई। MK-14 जो गन है ना क्लोज रेंज में जो डैमेज है इसका, ए हाय 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 हाय, जो थप्पड़ मारती है भैया, क्या मज़ा आता है MK-14 चलाने में क्लोज में। तुम जरूर ट्राई करना है, मतलब तुम ग्रोजा M249 सब छोड़ दोगे। तो यहाँ पे लिटरली मैं एक स्प्रे के अंदर 20 गोलियां जो होती है MK-14 के अंदर तीन बंदे ले गया, मतलब डैमेज देख रहे हो तुम, कहाँ AKM, कहाँ ग्रोजा प्रोजा लोजा लला लला लोला, सिर्फ MK-14 फ्रेंड्स। हैशटैग MK-14 लिख दो फ्रेंड नीचे कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से, मतलब MK-14 क्या गन है यार, मतलब क्लोज रेंज में इसको कोई नहीं मार सकता, हालांकि इसमें सिर्फ 20 बुलेट्स होती बट वो 20 गोलियां इतनी पावरफुल होती है ना कि कोई इतने आसानी से इसे मार नहीं सकता। हालांकि जब तुम रीलोड पे चले जाओगे तो तुम्हारे हेल्थ जरूर लगेंगे, ऑफ कोर्स मतलब चाहते क्या हो जिंदगी से, अब तुम्हें क्या मिठाई के साथ आइसक्रीम भी चाहिए, अरे वाह डैमेज के साथ एक्सटेंडेड भी चाहिए, वो भी 50 गोलियों वाला। भैया ज़्यादा सपने ना देखो, जमीन पे आ जाओ, पबजी है फोर्टनाइट नहीं है। तो बस अब आखिरी बंदा जिंदा बचा था, और यहाँ पे पता नहीं भाई क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं लूटिंग वूटिंग, मतलब क्या तुम यहाँ पे क्या किसको मारने जा रहे हो, अथीना गेमिंग नहीं है जिंदा भैया, कोई ऐसे नोड़ा सा प्लेयर होगा सांप वाप बना हुआ कोने में, तो इतनी टेंशन नहीं है, बस घुस जाने का, क्या करने का घुस जाने का। तो अब आखिरी बंदा बचा था, हम गाड़ी लेके जा रहे थे, और इतने में वो एकदम पास में मिल गया, नहीं तो सांप इतनी आसानी से मिलते नहीं है, वो तो नोबड़ा यहाँ पे ओपन में रिंगा रोसेस पॉकेट फुल ऑफ नोबड़ेस कर रहा था, और फिर मैंने उसको रास्ते में देख लिया, मैं चलती गाड़ी से पूरे स्वैग में सिंघम की तरह उतरा उल्टा मुड़ा, और MK-14 का हल्का सा प्री फायर दिया मैंने इधर कॉस आखिरी बंदा था, और फिर विनर हूँ एंड ब्रो का चिकन डिनर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना फ्रेंड, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो तुम चैनल पे नए हो, और मिलूंगा तुम्हें ब्रांड न्यू वीडियो बहुत जल्दी। मैक्सटन भाई आप हमको एक चीज बताइए, मोटेल के साथ आपकी गर्लफ्रेंड क्यों भाग गई, जरूर बताना नहीं चाहिए कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, आपको क्यों लगता है कि मैक्सटन की जीएफ ने ऐसे क्या होगा, एंड एनीवेज बाय।